एसआईएस की करंट खबरों में आपका स्वागत है। आज का करंट टॉपिक है देश का पहला लिथियम भंडार। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में देश का पहला लिथियम भंडार भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई द्वारा जम्मू कश्मीर में खोजा गया। लिथियम का यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में मिला है। इस लिथियम की अनुमानित मात्रा 5.9 मिलियन टन है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लिथियम क्या है। यह धातु आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग और द्वितीय आवर्त सारणी में रखी गई है। इसका परमाणु भार 6.941 है। इसकी परमाणु संख्या 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2s2 होता है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत रिएक्टिव पदार्थ है। यह पदार्थ अधिक अभिक्रियाशीलता की वजह से प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिक रूप में ही पाया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके गुणों के बारे में। यह प्रकृति की सबसे हल्की और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह एक जहरीली धातु है। इस धातु का घनत्व 0.534 होता है। इसमें चांदी की तरह चमक होती है। यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अत्यधिक मुलायम होने के कारण इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके महत्वों के बारे में। यह एक कीमती धातु है। यह धातु सोलर पैनल, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी के निर्माण में अति उपयोगी है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरियों की क्षमता ज़्यादा होती है और अन्य रासायनिक क्रियाओं पर आधारित बैटरियों की तुलना में इनकी उम्र भी लंबी होती है। लिथियम की खोज से धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत वर्तमान में लिथियम, निकिल और कोबाल्ट जैसे कई अहम खनिजों का आयात दूसरे देशों से करता है। वर्तमान में चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में लिथियम के बड़े सप्लायर हैं। पर अब भारत में भी लिथियम भंडार का पता चलने के बाद भारत की इन पर निर्भरता थोड़ी कम होगी। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2030 तक विद्युत मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने के लिए व्यापक तैयार योजना को पूरा किया जा सकेगा। आइए अब हम जानते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी। ऐसे ही करंट की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द एसआईएस ऐप। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस प्लीज कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।